आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994, प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ 9829650702। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में हमारे बीच तत्ववेता, अनुभवी, शोधकर्ता, कई जन्मों से शोध करके आए हैं कि आखिर जीवन की रियलिटी क्या है, आखिर विश्व की रियलिटी क्या है। तो कई जन्मों के निरंतर इन भावों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इनको कुदरत का सहयोग मिला और इनके भीतर प्रकट हुआ कुदरत का कानून, सनातन सत्य, उसको बांट रहे हैं। इनकी भावना है कि पूरा विश्व इस सनातन सत्य को जाने, समझे और आत्मसात करे, क्योंकि सनातन सत्य के ऊपर होता ही नहीं है कुछ, कुदरत के ऊपर कुछ नहीं होता, सभी हम उसके कुदरत के ही बच्चे हैं, कुदरत से ही संचालित होते हैं। तो स्वामी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और विज्ञान, इनकी चर्चा कर रहे थे, समय की अल्पता थी, वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई, ताकि किस तरीके से ये तीनों जो है वो एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और किस तरीके से तीनों व्यक्ति के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, और किस तरीके से इनका पूरा समायोजन है, कृपया बतावें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है क्रमिक मार्ग। क्रमिक मार्ग वो नेशनल हाईवे है, धोरी मार्ग है, और कहीं सालों से, कहीं अवतारों से, सदियों से, सैकड़ों से चला आता है, ये नया मार्ग नहीं है। और क्रमिक मार्ग का बेस क्या है? पहले अपने एक्शन को सुधारो, स्पीच को सुधारो, थॉट को सुधारो, बाद में भाव को सुधारो। अगर ये मन वचन काया सुधरने के बाद भाव सुधर गए, इसके बाद अभी आप तत्वज्ञान को जानो। जब आपका मन वचन काया तो सुधर गया है, उसके अंदर 5 महाव्रत आ गए, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चारों आपके जीवन में आ गए। अभी आप भाव सुधारते हो कि चारों तो मेरे जीवन में आ गए, मगर मेरे को आत्मा का अनुभव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रू साइंस क्या है, ये कुदरत क्या है, 6 तत्व क्या है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म और कर्म फल क्या है, ये सब कुछ बात समझनी पड़ेगी। वो अंदर होगी, वो मनोचन काय की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। तो धीरे धीरे अपने बाहर के कैरेक्टर को क्लीन करके अंदर जाते हैं, लास्ट में वो अंदर जाके सभी प्रकार की अज्ञानता को खत्म कर देते हैं, और इसीलिए कर्म बंद नहीं होता है, मगर कर्म के भुगतान तो रहेगी पूरी लाइफ में, लास्ट ब्रीथ तक रहेगी, क्योंकि वो तो परिणाम है।
मगर अंदर संशोधन चालू करते हैं, वे ज्ञान का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे सभी प्रकार का अज्ञान अपनी दृष्टि में से निकाल देता है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य मेरी दृष्टि में क्यों खड़ा है, क्योंकि मोह है। कौन सा मोह है? जगत में बाहर सुख है, और बाहर सुख है तो बाहर की कोई चीज मेरे को सुख के लिए पानी चाहिए, अगर वो चली जाएगी तो मेरे को दुख होगा, मिलेगी तो मेरे को सुख होगा। ये अज्ञान मेरे को निकालना है, क्योंकि सुख तो मेरा स्वभाव है, अवस्था का, साधन का, संजोगों का स्वभाव नहीं है, मगर क्योंकि मेरी मान्यता थी अज्ञान, इसलिए बाहर सुख में है ऐसा मैंने माना और कहीं अवतारों से भटकता रहा। बाद में मालूम हुआ सुख तो मेरे अंदर है, वो मेरा स्वभाव है, वो पाना नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में नहीं है, वो तो मेरा आत्मा का खुद का स्वभाव है और वो शाश्वत सुख अंदर पड़ा है। ऐसा जब मालूम होता है तो वो अंतर्मुखी होता है, जब अंतर्मुखी होता है तो वह विज्ञान है, वह व्यवहार सत्य नहीं है, वह सनातन सत्य है। तो जैसे भी सनातन सत्य प्राप्त करेंगे, उसका पुरुषार्थ करेंगे, अंदर सब अज्ञान दृष्टि में से मिट जाएगा, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, और निर्मल दृष्टि को कहते हैं केवल दर्शन। और जब केवल दर्शन होगा, संसार की कोई इच्छा अपेक्षा है नहीं, तो केवल ज्ञान का बीज लगेगा। नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रेडीमेड यानी रिजल्ट के रूप में मिलेगा और वो मोक्ष में जाएगा। तो कहने का मतलब क्रमिक मार्ग बाद में अंतर्मुखी होते हैं तो वो वैज्ञानिक मार्ग बन जाता है। अक्रम मार्ग का मतलब होता है आज इस कलयुग के अंदर मन वचन काया की वननेस नहीं है, तो मैं अपनी प्रकृति को सुधारना चाहता हूँ, नहीं सुधर सकती है, आप समझे ना, विचार भी अलग, जबान भी अलग और व्यवहार ही अलग, ये तीनों अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों अलग होने के नाते साधु संसारी से भी गलत विचार भाव कर सकते हैं और संसारी भी साधु से उत्कृष्ट भाव कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया और भाव से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला मोक्ष में जा सकता है और चींटी बचाने वाला नरगति में भी जा सकता है, क्योंकि चींटी बचाना वो फिजिकल बात है, मगर मेरे भाव में लाखों लोगों की हिंसा है तो मैं नरगति में जाऊंगा। यानी एक्शन एंड भाव दोनों अलग चीज है। तो ये दोनों को अलग किया अक्रम विज्ञान ने, कि मन वचन काया को तो बदल नहीं सकते हैं मगर भाव को बदलो। तो ये अक्रम विज्ञान भाव सत्ता को परिवर्तन करने का साइंस है। और उन्होंने बताया कि मन वचन काया वो कुदरती रचना है और मन वचन काया की अवस्था मात्र भी कुदरती रचना है और पुरुषार्थ भाव में है, क्रिया में नहीं है। उन्होंने विज्ञान बताया, ये दुनिया का सनातन विज्ञान बताया। और विज्ञान बताने के बाद क्योंकि आम लोग ये बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं था एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो वो विज्ञान को विज्ञान के रूप में नहीं समझ सके, तो बार बार लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा और विचार होने लगे कि आखिर मैं राम को मानता हूँ तो राम को नहीं मानूं, मैं कृष्ण को मानता हूँ भगवान के रूप में वो नहीं मानूं, मैं महावीर को मानता हूँ महावीर को नहीं मानूं, मैं राम कृष्ण महावीर को फॉलो करता हूँ इसको फॉलो नहीं करूँ, उनकी कही बातों को नहीं मानूं, ऐसा पजल हो गया। तो विज्ञान जानने के बाद भी पजल हो गया, तो धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष को समझ में आ गया कि जो मैं विज्ञान बताना चाहता हूँ ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और धर्म के क्रिया के प्रति उसका जो पकड़ है वो ऐसे टूटेगा नहीं। तो उन्होंने खुद ने रिचुअल्स दे दिया कि आपको त्रिमंत्र बोलना है, नमस्कार विधि करना है, नवकलम करना है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना करना है, चरण विधि करना है, आरती करना है, कीर्तन भक्ति करना है, किताबें पढ़ना है, फंक्शन में आना है, सत्संग में आना है, शिविरों में आना है, सामायिक प्रतिक्रमण करना है, ये सब कुछ साधन उन्होंने बाद में क्रिया के रूप में दिए। तो कहने का मतलब जो क्रिया में पुरुषार्थ नहीं है वही क्रिया देने से पुरुषार्थ है, ऐसा इसको बताना पड़ा। यानी फिर विज्ञान में ड्यूअलिटी आ गई। क्या आ गई? ड्यूअलिटी। प्योर साइंस फिर नहीं रहा, फॉर्मेटिंग, फिर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, तो बाद में फिर रिचुअल्स आ गए, मंदिर आ गए,
भगवान का सिंबल आ गया, मंदिर आ गया, गुरु आ गया, मंत्र आ गया, शास्त्र आ गए, डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स आ गए, रिचुअल्स आ गए और संस्था आ गए, तो क्या बन गया? फॉर्मेट, फॉर्मेट बन गया। तो फॉर्मेट के अंदर दृष्टि साइंटिफिक दिया, मगर क्योंकि फॉर्मेट है तो साइंस के साथ आप रिचुअल्स को भी अन्य धर्म की तरह बताई हुई को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे भगवान एक ही मानना पड़ेगा सिमंदर स्वामी, गुरु एक ही मानना पड़ेगा दादा भगवान, मंदिर एक ही मानना पड़ेगा त्रिमंदिर, मंत्र एक ही बोलना पड़ेगा त्रिमंत्र, शास्त्र एक ही पढ़ना पड़ेगा आप्तवाणी, और गुरु शिष्य जो उनकी परंपरा में जो गुरु होते हैं, अभी जिसको आप्तपुत्र बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, इसे कोई आपको फॉलो करना है और आप फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद रिचुअल्स को फॉलो करना है और संस्था को भी मानना है, यानी एक प्रकार का फॉर्मेट बन गया। इसमें से फिर साइंस धीमे धीमे निकल गया और रिचुअल्स के ऊपर वेट आ गया। तो जैसे अन्य धर्मों में भी महावीर ने साइंस कहा था वो चला गया और रिचुअल्स को फॉलो करते करते वो एक फॉर्मेट बन गया और वेट रिचुअल्स के ऊपर आ गया, साइंस चला गया। यहाँ सेम हुआ, फॉर्मेट आ गया, रिचुअल्स के ऊपर वेट हुआ, साइंस चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ, इसमें मैं जीवन के अंत तक फॉर्मेट को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, रिचुअल्स को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ विज्ञान को जानो और आपके कुल धर्म में जो भी रिचुअल्स लेके आए हैं, फॉर्मेट लेके आए हैं, वो मन वचन काया से उदय कर्म के अधीन फॉलो करते रहो। इसमें साइंस से कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कुछ फॉर्मेट को कुल धर्म के मुताबिक फॉलो करते हो, इसको पुरुषार्थ मत मानो, ये प्रकृति का धर्म है और प्रकृति का उदय कर्म मानो। और आपकी दृष्टि हर समय हर संजोगों में सनातन सिद्धांतों के अधीन, कुदरत के अधीन, छह तत्वों के अधीन, कुदरती कानून के अधीन है, कुदरती रचना के अधीन है। वही बात धीरे धीरे विज्ञान के रूप में समझते रहो। मैं कोई नए मंदिर, नए भगवान, नए गुरु, नए मंत्र, नए रिचुअल्स देना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई गुरु शिष्य की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई संस्था में बंधना है, जुड़ना है, वो बात नहीं करना चाहता हूँ। आप समझिए, इसीलिए मैंने कहा मैं प्योर साइंस को, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस को ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट करता रहूँगा, यही मेरी ख्वाहिश है। और जो रिचुअल्स होती हैं जो कुल धर्म के रूप में अप्लाए हैं, वो मन वचन काया से फॉलो करते रहो, मगर सिर्फ इसको पुरुषार्थ मत मानो, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति को मिला है, प्रकृति को आनंद भी आता है, वो करते रहने दो, मगर मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति को चलाने वाला नहीं हूँ और मैं प्रकृति के भुगतान को भुगतान करने वाला नहीं हूँ। ऐसी लाइन ऑफ डिमार्केशन बना के मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और मेरे अलावा जो कुछ है वो छह तत्वों से बनी हुई अवस्था है, कुदरती रचना है। इसमें कोई जगह पुरुषार्थ नहीं है और वो उदय कर्म के अधीन है, बिगिनिंग और एंड के साथ है। मेरा न बिगिनिंग है न एंड है, मेरा ज्ञान का भी बिगिनिंग एंड नहीं है, मेरी शक्तियों का भी बिगिनिंग एंड नहीं है और मेरे जीवन का भी बिगिनिंग एंड नहीं है। हम दोनों अलग हैं और अलग ही रहेंगे। तो मैं प्योर आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ, फॉर्मेट के कोई भी भागों को मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ। और जितने भी धर्मगुरु ज्ञानी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, वितरागी हो गए, उन्होंने कभी फॉर्मेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं किया था, उनकी परंपरा में फॉर्मेट आया, क्योंकि साइंस लोग नहीं समझ पाए। तो आइए हम सब यही मूल बात को, मूल तत्व को, मूल विज्ञान को समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि से भेदभाव मिटाएं, तो कुल धर्म अपनी जगह सही है, उसके बाद अक्रम विज्ञान अपनी जगह सही है, मगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जो किसी का है नहीं, किसी ने बनाया नहीं है और न ही कोई चलाता है। ऐसे सनातन सत्य जो छह तत्वों के ऊपर आधारित है, छह सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून से चलता है और उसके आधार से कुदरती अवस्था बनती रहती है।
यही इसी के ऊपर मेरा ये पूरा साइंस है। आइए हम विज्ञान को विज्ञान की तरह ही समझें। अक्रम शब्द है वो एक अक्रम शब्द है वो पाथ है, क्रमिक पाथ है, और आध्यात्म विज्ञान पाथ नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। ये कोई मेरा प्रोजेक्शन नहीं है, मेरा अनुभव मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये सनातन सत्य का प्रोजेक्शन है। तो आइए हम सब विज्ञान को समझने की कोशिश करें और यही विज्ञान का पालन करते करते दृष्टि से अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए, परफेक्ट बनाए, अज्ञान और कसावट से मुक्त बनाए, ऐसे ही मेरी मंगल कामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कि जो हमारा कुल धर्म है वो कुल धर्म कहीं भी मूल धर्म के अंदर आड़े नहीं आता है, और कुल धर्म तो हर प्राणी को निभाना पड़ेगा, यानी मन वचन काया का भुगतान है वो सारा कुल धर्म है, और जो मूल धर्म जो साइंस है वह दृष्टि है। तो आपके हिसाब से अध्यात्म विज्ञान इज इक्वल टू जो है हमारी जो है सम्यक दृष्टि और हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और हमारे मूल में अवस्थित रहने की बात है। कुल मिलाकर आप जो कहते हैं दोनों को अलग अलग रखिए, प्रकृति अलग रहे, पुरुष अलग रहे, तो आप तो पुरुष हो, आप अपने पुरुष की स्मृति बनाए रखो कि आप स्वयं गुणों वाले हो, अष्टगुण संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, उसको ध्यान रखो, आप चेतन हो, आप जड़ से अलग रहो, तन्मयाकार मत हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सही तरीके से करने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ड्युअलिटी इस दुनिया का मूल है। ड्युअलिटी हुई जब ये दुनिया बनी, नर नारी, दिन रात, और उसके बाद में सुख दुख है और अनुकूल प्रतिकूल, ऐसी सारी ड्युअलिटी से ही दुनिया बनती है। तो उसी तरीके से जो हमारा वेदांत है, हमारा उपनिषद है, वह भी कोई ड्युअलिटी की बात करके फिर जो है वह ड्युअलिटी को त्यागने की बात करते, यानी द्वैत से अद्वैत बनने की बात कही जाती है कि ड्युअलिटी तो दुनिया में है, द्वैत जो है जड़ और चेतन ड्युअलिटी है जिसके कि आप बने हुए हो और वो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ड्युअलिटी रहते हुए भी आप ऐसी प्रक्रिया ऐसा साधन अपनाओ कि जो है द्वैत से अद्वैत हो जाओ। जैसे हम ब्रह्माष्टमी द्वैत में रहते हुए आप चिंतन करो कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही जो है वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस माया को उस प्रकृति को मिथ्या समझो, उस ब्रह्म को ही सत्य समझो, और वो जीव को अंश मानते हैं, और जब जीव को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, तो मुक्ति हो जाती वेदांत के हिसाब से। तो द्वैत और अद्वैत की जो बात है उसको आप अपने अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके तुलनात्मक दृष्टि से बताइए कि किस तरीके से ये इनका समायोजन है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। द्वैत और अद्वैत, ये दुनिया जो है जो पांचे इंद्रियों से दिखती है और अनुभव में आती है वो द्वैत है। द्वैत का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, द्वैत का मतलब होता है टेम्पररी ट्रूथ, द्वैत का मतलब होता है जन्म और मृत्यु, द्वैत का मतलब होता है बिगिनिंग और एंड, द्वैत का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की रिलेटिव टेम्पररी अनुभूति करना, वो द्वैत है। ये पांचों इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो द्वैत है, वो अद्वैत नहीं है, वो जड़ है, चेतन नहीं है, मगर अद्वैत है, वो चेतन है, अविनाशी है, और वो मैं खुद हूँ। तो दुनिया में जो दिखता है वो द्वैत दिखता है, और अंदर जो जीव है इसीलिए वहाँ अद्वैत है।
मगर क्योंकि ये पांच इंद्रियों के ज्ञान से जो दुनिया दिखती है उसी को ही मैं अज्ञानता से सत्य मानता हूँ और उसी के आधार से मैं अपना जीवन बनाना चाहता हूँ, तो वो तो द्वैत ही बनेगा। अद्वैत कैसे बनेगा? आपकी दृष्टि में जब रिलेटिव सत्य ही इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव सत्य का मतलब ही है द्वैत, वो उसी का इम्पोर्टेंट है, तो आपके कॉज भी द्वैत के ऊपर बनेंगे और इसके इफेक्ट भी द्वैत के ऊपर आएंगे। तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर ये संसार चलाने का मार्ग है जिसमें पाप पुण्य आ जाता है, धर्म संस्कृति सब आ जाती है। अद्वैत का मतलब होता है मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और आत्मा हूँ। मगर ये बात जरूर ध्यान में रखो कि आत्मा इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह अकेला नहीं हो सकता है, उनको बॉडी चाहिए। बिना बॉडी ये यूनिवर्स में सोल हो ही नहीं सकता। अगर सोल अकेला होगा तो सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में बियॉन्ड दिस 14 राजलोक, इसके बाहर ही आत्मा अकेला हो सकता है, जिसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र, जहाँ प्योर सोल के अलावा कोई रिलेटिव अवस्था नहीं है, द्वैत नहीं है। तो इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। हम जब व्यक्ति के रूप में पैदा हुए तो देह आत्मा दोनों ही रहेगा, अकेला देह भी नहीं रहेगा, अकेला आत्मा भी नहीं रहेगा। अगर आत्मा नहीं है तो जीवन भी नहीं है, आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और आत्मा नहीं है जन्म मरण भी नहीं है। तो कहने का मतलब होता है द्वैत और अद्वैत ये दोनों समझना पड़ेगा, और अनुभवी ज्ञानी पुरुष द्वैताद्वैत होता है, व्यवहार से रिलेटिव सत्य को स्वीकार करता है और निश्चय से सनातन सत्य को स्वीकार करता है। तो दृष्टि में होता है सनातन सत्य अद्वैत, और व्यवहार में होता है, इंद्रिय ज्ञान में होता है रिलेटिव सत्य। ये दोनों को साथ लेके जीता है, मगर दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन रखता है कि जो व्यवहार सत्य है वो उदय कर्म के अधीन है, कुदरत के अधीन है, और जो सनातन सत्य है वो मैं खुद हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही सर्वशक्ति का मालिक हूँ, सर्व अविनाशी शक्ति का, शाश्वत शक्ति का मालिक हूँ। तो यानी कुल मिला के यही बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत ये तीन प्रकार की अवस्था है। द्वैताद्वैत वो अनुभवी पुरुष की अवस्था है, द्वैत अद्वैत दोनों को स्वीकारता है। अज्ञानी सिर्फ अद्वैत को स्वीकारता है और केवल ज्ञानी सिर्फ द्वैत को स्वीकारता है। आइए हम सब बातों को सिद्धांत से समझने की कोशिश करें, और समय की मर्यादा पे आगे के अंदर भी एपिसोड में हम ये बात सुनते रहेंगे। भाइयों बहनों, अब हमारे समय की मर्यादा को देखते हुए इस एपिसोड को हम यहीं पर संपन्न कर रहे हैं, और अगले एपिसोड के अंदर हम इस विषय पर और वार्ता करेंगे। और हम बराबर सत्संग कर रहे हैं कि हमको कितना ज्ञान मिल रहा है कि हम द्वैत होते हुए भी हमें अद्वैत होना है, यानी जड़ और चेतन साथ रहते हुए भी अनुभूति चेतन की करनी है, क्योंकि हमारा मूल तत्व वो है। जब हम अनुभूति चेतन की करेंगे तब हम अद्वैत हो जाएंगे, अद्वैत हमारा लक्ष्य है। और ये जो चल रहा है मात्र जड़ है, ये भुगतान है, ये तो करना ही पड़ेगा। पीछे से हम कर्ज लेके आए, ये तो चुकाना ही पड़ेगा। जब पूरा कर्ज चुक जाएगा, आप इस जीवन के लिए ध्येय बनाओ कि मेरा स्वरूप क्या है। भुगतान को होने दो, जब भुगतान चुकता हो जाएगा, स्वरूप में आ जाओगे, तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान की स्थिति में आप पहुँच जाओगे। स्वामी जी उस लाइन में लगे हुए हैं और हमको भी उस लाइन में ले जा रहे हैं। तो सभी श्रोताओं की तरफ से मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994,
प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, 9829650702।